जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड फ्रेंड एसबीआई पीओ 2022 का प्री एडमिट कार्ड निकल चुका है फ्रेंड। सो मतलब आपके जो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है और एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। आज हम जानने वाले हैं क्या आपकी डेट है और कब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सो इम्पोर्टेंट फ्रेंड वीडियो होने वाली है और साथ में हम देखने वाले हैं एसबीआई के जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो भी हम इस वीडियो के माध्यम जान लेंगे कि आपको कैसे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या कट ऑफ रहती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, तो वीडियो के जुड़े रहना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी ऑफ यहाँ पर निकाली गई थी 1673 और एज लिमिट आपको पता ही फ्रेंड 21 से 30 रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहती है और यहाँ पे कुछ सैलरी का स्केल रहता है, ये इस बीच में ही आपको सैलरी मिलती है। साथ में इसमें जो स्टेज रहते हैं वो आपका प्री रहता है, फिर मेंस रहता है, फिर ग्रुप इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन रहता है। सो तीन स्टेज में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं और पैन इंडिया पर एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। और जो फ्रेंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए, सो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे फर्स्ट और सेकंड वीक दिसंबर में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। और जो आपका प्री जो एग्ज़ाम होगा वो 17, 18, 19 और 20, 4 दिन आपके ये दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने वाले हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट आ चुकी है फ्रेंड। अब आपको प्रिपरेशंस कंटिन्यूसली करते रहना है, टाइम बहुत कम बचा है। सो मैक्सिमम टाइम आपको रिविज़न पर अपना फोकस रखना है, करंट अफेयर से फोकस रखना है अपना, ताकि इस एग्जाम को आप इजीली करेक्ट कर सकें फ्रेंड, ठीक है। एसबीआई पीओ की मेंस की जो बताए जा रहे एग्जाम होंगे वो जनवरी फरवरी में हो जाएंगे। साथ में इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वो फरवरी मार्च के बीच में कंडक्ट हो जाएगा आपका। सो फ्रेंड ये फाइनल डेट आ चुकी है, जो भी बच्चा वेट कर रहा था तो फाइनली उनके लिए एक ये खुशखबरी है कि आपका एग्ज़ाम 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को कंडक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम फ्रेंड बात कर लें इसमें वैकेंसी के बारे में, तो फ्रेंड टोटल वैकेंसी आपको पता चल चुकी है 1673 हैं, जिसमें जनरल की 648, ईडब्ल्यूएस 660, ओबीसी 464। तो ये टोटल ऑफ वैकेंसी है कैटेगरीज वाइज। और फ्रेंड जो नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट मिलते हैं आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को 4 मिलते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस जो PWS में होते हैं जनरल वालों को उनको 7 और OBC को 7 और बाकी SC ST के लिए यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन होता है। सो एक नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट जो है पीओ को अटैम्प्ट करने के लिए सो वो टोटल जनरल वालों के लिए 4 रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना बार अटैम्प्ट कर सकते हो इस एग्ज़ाम को भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड कि कट ऑफ क्या रहती है। सो हम अब जानने वाले हैं प्रीवियस कट ऑफ्स के बारे में। सो फ्रेंड ये देख सकते हो आप कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ है 21 की। सो जनरल की जो कट ऑफ रही थी 63 रही थी, एससी की रही थी 54.75, एसटी की 49.25, ओबीसी की 61.25 एंड ईडब्ल्यूएस की 62.75। मतलब जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है और बाकी दोनों कैटेगरीज में काफ़ी 10 नंबर से भी ऊपर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड अगर आपकी प्रिपरेशन 65 प्लस है सो आप इस एग्ज़ाम को इजीली करेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, 65 to 70 के ही दायरे में रहने वाली है। सो आप अपनी मेहनत करते रहें, रिवीजन पे फोकस रखें, जो आपने पढ़ लिया है उसे पढ़ते रहें, न्यू ट्राई ना करें, करंट अफेयर्स को रिवीजन करें, काफ़ी अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर करंट अफेयर्स आते हैं। सो आप अपनी प्रिपरेशन को जो भी दिन बचे हैं उसमें कंटिन्यूसली रिवीजन पे ही फोकस रखें, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस सेट मारते रहें बस फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर टाइम अपडेट मिलती रहे और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम निकल रहे हैं फ्रेंड उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट मिलती रहे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।